मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए शासन प्रशासन नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन ने भारत से नेपाल के कसीनो में जुआ खेलने जाने वाले लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। पुलिस भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है। ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 के लिए जुआरियों के नेपाल जाने पर रोक लगाई जा रही है, क्योंकि जुआरियों के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है। इसके लिए सघन चेकिंग अभियान चंपावत पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर चलाया जा रहा है। नियम के अनुसार भारत नेपाल सीमा पर 25,000 रुपये तक ले जाने की अनुमति है। निर्धारित रकम से ज़्यादा सीमा के पार ले जाना प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति 25,000 से ज़्यादा की रकम ले जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। चौकी प्रभारी हेमंत सिंह काठियात ने बताया कि नशे की तस्करी करने वालों एवं कसीनों में जुआ खेलने जाने वाले जुआरियों पर नकेल कसने के लिए सीमा पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज जकार्ता का चौकी है, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। इसलिए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य जो कैसीनो में जाने वाले अन्य लोग हैं तो हम उनको किसी भी प्रकार से यहाँ पर चेक करके प्रॉपरली और व्यक्तियों को भेजा जा रहा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।